उत्तराखंड सरकार साल 2024 तक राज्य को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य लेकर कार्य कर रही है। राष्ट्रपति द्वारा 9 सितंबर 2022 को निक्षय मित्र टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत प्रभारी स्वास्थ्य डॉक्टर सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने टीबी केंद्र पहुंचकर 7 साल की टीबी रोगी जोया के निक्षय मित्र बनते हुए उसे गोद लिया और उन्हें मासिक पोषण किट वितरित की। आपको बता दें, राज्य के टीबी रोगियों में 80% द्वारा गोद लिए की सहमति दी है। डॉक्टर आर राजेश ने कहा कि अब ये हम सभी का दायित्व है कि हम उन्हें रोग मुक्त करने के अभियान से जुड़े। इसके लिए सामाजिक संगठनों का सहयोग लिया जाएगा। पहले टीबी रोग को खतरनाक माना जाता रहा है, किंतु आज जांच और अनुसंधान प्रक्रिया की उपलब्धता से इस रोग को दूर करने के साधन उपलब्ध हो गए हैं। इस मौके पर प्रभारी स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि स्वस्थ भारत समृद्ध भारत के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उत्तराखंड को टीबी मुक्त बनाने के लिए जनभागीदारी से जड़ से समाप्त करने का संकल्प लेना होगा। आपको बता दें कि पिछले माह राजभवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की थी। इस अभियान के शुरुआत होने के अवसर पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री सहित अन्य गणमान्य नागरिकों ने टीबी रोगियों की सहायता हेतु निक्षय मित्र बनते हुए 21 टीबी रोगियों को गोद लिया और उन्हें मासिक पोषण किट वितरित की थी। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। मैं किसी एक पर्टिकुलर कार्यदायी संस्था की बात नहीं करना चाहूंगा, जितने भी कार्यदायी संस्थाएं हैं उन सब की मीटिंग्स मेरे द्वारा ली गई हैं और उनको बहुत स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि जो भी पेंडिंग काम पड़े हैं, आधे अधूरे काम पड़े हैं, वो तत्काल उसको इम्प्लीमेंट करें, कंप्लीट करें। और कोई जेन्युइन इशू है किसी कार्यदायी संस्था द्वारा जिसमें रेट रिविजन हो या कभी कभार रेट्स चेंज होते रहते हैं, तो जेन्युइन इशू है तो हम लोग शासन पे उनकी मदद करेंगे। नहीं तो किसी भी किस्म की लापरवाही कार्यदायी संस्था द्वारा पाई जाती है तो हमने उनको स्ट्रिक्टली कहा है कि उनको ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई भी हम लोग करेंगे।